हेलो दोस्तों, मुंबई महानगर संचालन प्राधिकरण यानी MMRDA ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है, जिसमें मेट्रो लाइन 12 के निर्माण के टेंडर को रद्द करने की घोषणा की गई है। यह प्रस्तावित मेट्रो लाइन कल्याण डोंबिवली और तालोजा के यात्री, जो लंबे समय से कनेक्टिविटी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए हल प्रदान करने का उद्देश्य रखती थी। MMRDA की ओर से मेट्रो लाइन 12 के लिए टेंडर को रद्द करने का निर्णय पिछले साल आया था। इसका कारण है कि पिछले टेंडर के अनुसार इस लाइन को आगामी नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से जोड़ा नहीं गया था, जिससे यात्रियों को दो लाइनों के बीच आसानी से यात्रा करने में आसानी हो सके। अभी इस लाइन के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार मेट्रो लाइन 12 को तलोजा तक सीमित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे पेंढार तक विस्तारित किया जाएगा। इस विस्तार का उद्देश्य तेजी से बढ़ते हुए मुंबई के लिए मेट्रो लाइन की पहुंच को बेहतर बनाना है। इस नए प्लान में मेट्रो लाइन 12 को नवी मुंबई मेट्रो 1 के साथ मिलाया जाएगा। मेट्रो लाइन 12 के लिए पहले प्रस्ताव में एक 20.75 किलोमीटर के रूट को दर्शाया गया था, जो मुंबई के पूर्वी उपनगरों में एक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए था। पर अभी अपडेटेड प्लान के साथ यह मेट्रो लाइन थाने, भिवंडी और कल्याण को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 5 का एक एक्सटेंशन बन जाएगी, जिसे आमतौर पर ऑरेंज लाइन के रूप में जाना जाता है। मेट्रो लाइन 12 के पिछले प्लान को रद्द करने से परियोजना के पूर्ण होने में देरी हो सकती है। हालांकि अपडेटेड प्लान का उद्देश्य है कि निर्माण के साथ जुड़ी चुनौतियां, जैसे कि कल्याण और दूसरे रूट के अन्य भागों में आने वाली बस्तियों के पुनर्वास का समाधान किया जाए। यह पूरा होने के बाद कल्याण, डोंबिवली और तलोजा के निवासियों की सड़क यात्रा पर आधारित निर्भरता कम हो जाएगी और उन्हें एक तेजी से और अधिक कुशल यात्रा का विकल्प मिलेगा। इस परियोजना में करीब 1,521.8 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और इस मार्ग पर 17 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेशन गणेश नगर और उसके आगे पीसावली गांव, गोलावली, डोंबिवली MIDC, सागाव, मानपड़ा, सोनारपाड़ा, हेडूताने, कोलेगाव, निलजेगाव, वडावली, बाले, वाकलन, तुर्भे, पिसारवे, डिपो पिसारवे और आखिरी स्टेशन तलोजा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।